गाइड बात के लिए ले बोल ये रखा है सरकार कांग्रेस की बनेगी बहुत भारी बहुमत से। अब भारी बहुमत का मेरे पास तो वो अभी तो मैं नहीं कह सकता कि संख्या बताऊं मैं आपको, वो अमित शाह जी संख्या बता सकते हैं क्योंकि क्योंकि उनके बेटे ने 50 लाख से बना दिया 80 करोड़ बना दिए 3 महीने के अंदर, तो वो ज़्यादा कैलकुलेशन करना जानते हैं कि कैसे पैसा बनता है, मैं नहीं जानता। तो आपसे इसलिए पूछता हूं, मैंने सुना है कि 50 लाख से 80 करोड़ बने, ये मुझे वो बताए मैजिक उनके बेटे, तो मैं कम से कम सब मेरे नौजवान कार्यकर्ताओं को बताऊँ भाई तुम ये देखो मैजिक है इसको सीख लो। मैं जादूगर तो मैं हूँ, अमित शाह का बेटा जादूगर कैसे बन गया है ये मेरे को बड़ी ज्वेलिश हो रही है। ये तो 19 जिस तरह से भाषण आ रहे हैं, आप बताइए मुझे पंडित नेहरू आजादी के जंग के अंदर इतने अमीर बाप के बेटे थे मोतीलाल नेहरू के, 10-12 साल तक जेल में रहे, उस वक्त जेलें क्या होती थी, पंखे भी नहीं होते थे, वो व्यक्ति जेल में रहा भुगता है, उस वक्त में बड़े बड़े नेता और भी कई लोग थे। आज आप बताओ कि उनके बारे में क्या क्या नहीं लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, माँ बेटी की सगाई किसने कहा था। आप देखते थे इस प्रकार की आपने शुरुआत कर दी देश में, वो आगे बढ़ती जा रही है। इनके जो नेता आरएसएस के हैं या वो यूपी में जो क्या नाम है उनके, मैं तो पता नहीं, याद ही नहीं मुझे, वो क्या क्या बोलते रहते हैं। अब इतने माहौल के अंदर कांग्रेस वाला कोई कोई कभी गुस्से में कोई कमेंट कर दे तो हमने उनके कमेंट की व्याख्या कभी नहीं करी, हमने कालिका देखी है आलोचना गलत है या हम कंडम कर सकते हैं, व्याख्या नहीं करते, ये हमारे कमेंट की व्याख्या करते हैं, ये इतना ही फर्क है। और व्याख्या करके आप कुछ भी लोगों को भ्रम पैदा कर दो, नहीं लेकिन भाषा तो अच्छा नहीं मान रहे ना कि सार्वजनिक तौर पर आप जिस तरह के शब्दों का उपयोग करें, अभी कल ही आपके एक कांग्रेसी नेता ने प्रधानमंत्री के लिए कहा, राहुल गांधी जी के ऊपर छीटाकशी करी कि राहुल गांधी जी के पिता का पता है, मोदी के पिता का भी पता नहीं है, क्या किस तरफ जा रहा है इस तरह। मैं आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ पंडित नेहरू वाला जी, आपने देखा नहीं होगा इसका मतलब, सोशल मीडिया में देखो आप जी कि क्या क्या उनको बताया गया है, क्या क्या बताया गया है पिछले 5 साल। तो नहीं, ये बस ये कि कहीं ना इस पर रोक लगनी चाहिए ना, मैं मानता हूँ रोक लगाने पहल कौन करता है, आप लोग ही करेंगे पहल, तो आप लोग नहीं, अभी जो हमेशा असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सबको साथ लेकर चलने की, उसी ढंग से देश के अंदर भी सत्ता होते हैं वो पहल करनी चाहिए उनको, पहल तो पहले वो क्या करेंगे, जो पहल उन्होंने की इन बातों की वो पहल करने के लिए कैसे तैयार होंगे वो लोग। अभी 2 दिन पहले सीपी जोशी जी ने कुछ टिप्पणी करी, राहुल गांधी जी ने ट्विटर पे कमेंट किया और उनको माफी मांगनी पड़ी, तो पहल आप लोगों की तरफ से हुई, आपके नेता यदि इस तरह के कमेंट करें तो कहीं ना कहीं राजनीति को सुधारने के लिए पहल किसी को करनी पड़ी। तो हम तो कार्रवाई करते ना, वो कार्रवाई भी नहीं करते, वो तो हमें महेंद्र सिंह का एरिया वाला मामला था तत्काल उसी रात कार्रवाई हुई, सीपी जोशी जी का मामला था तत्काल ट्वीट आ गया, तो कांग्रेस कार्रवाई करती है वो खाली मन की बात कहते हैं, वो मन की बात जनता के मन की बात सुनते नहीं है, वो अपने मन की बात कहते कहते उन्होंने एक सीरीज चालू कर दी, इतनी तकलीफ आ रही है।